रमजान के मौके पे और रामनवमी भी अभी ख़त्म हुआ और ऐसे शुभ मौके पे पिताजी का बेल हुआ और हमने लगातार प्रार्थना किया भगवान से और पूजा अर्चना भी करने का काम किया, जिसका कि फल मिला और भगवान को किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। और इफ्तार के मौके पे और जितने लोग हैं सब लोग आए, इफ्तार में बेल हो गया है, खुशी मनाने का काम। जो कानूनी प्रक्रिया है सर वो चल रही है, कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक पटना आने की संभावना है? देखिए अभी तो बेल हो गया है, अब जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, लेकिन अब खुशी कई गुना बढ़ चुकी है आपसे। हाँ बढ़ गया है, ये तो जाहिर सा बात है कि सबका बढ़ जाएगा खुशी। तेज प्रताप जी, आपने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को भी न्योता दिया है इफ्तार पार्टी में। देखिए सर्वधर्म संभाव, हमें सर्वधर्म सारे धर्मों को हमें मानने का काम करना है और इसलिए हमने न्योता भेजने का काम किया और हर एक वर्ग के लोगों को हमने न्योता भेजा है, अपने दोस्त यार को भी न्योता देने का काम किया है और साथ साथ पॉलिटिकल जितने लोग हैं सबको न्योता हमने देने का काम किया है। तेज प्रताप जी, आपने चिराग सहनी जी को भी बुलाया है, तो सहनी जी की नैया पाल लगाए हैं क्या इस बार? देखिए तमाम लोगों को हमने न्योता देने का काम किया है, कितनी खुशी की तमाम लोगों को। अच्छा आपने प्रधानमंत्री, आना नहीं आना वो अलग की बात है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि वो हमेशा निष्ठा की काम करते जा रहे हैं, क्या कुछ बातें थी वो? नहीं देखिए तो लोग देख रहा है बात क्या है, वो आप भी जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, तो इसलिए चल रहा है अपना सिस्टम। लेकिन अभी फिलहाल बेल हुआ है और ऐसे शुभ मौके पर हम पूरे तरीके से अपने जनता के बीच में